इस समाचार के प्रायोजक है रघुनाथ प्रसाद, रणदीप कुमार ज्वेलर्स, पुरानी बाजार, मुजफ्फरपुर। जल का जल जला, जहां तक कोई नहीं गया वहां से रिपोर्टिंग, मोतीपुर के बाना छपरा से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। ये नजारा है मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड का। मोतीपुर प्रखंड के पाना छपरा गांव में बीती रात तिरहुत बांध के टूट जाने के कारण जल का सैलाब और जलजला आ गया। ये सैलाब पूरे गांव को डुबा कर रख गया। लगभग 5,000 लोग इससे प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के संपादक मुकेश चौरसिया ने गांव के भीतर जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है और आपको गांव के सबसे बदहाल तस्वीर को दिखाने की कोशिश की है। देखिए मुकेश चौरसिया को। खड़े हैं मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड में पाना छपरा गांव में, जहां बांध के टूट जाने के कारण त्रासदी है, पानी का जलजला आया हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो इसमें पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। तो बताइए किस तरह से की परेशानी हो रही है सर? रात के करीबन 10:30 बजे यहाँ एक तिरहुत नहाड़ है जो पूरी तरह से टूट गया। बांध के टूट जाने के कारण ये सर पूरा गांव पानी से भर गया है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि सब अपना सामान लेके एक सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। लगभग 5,000 घरों को नुकसान हुआ है, माल जाल की क्षति हुई है, कुछ माल इसमें दह भी गए हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पर सर, यहाँ पर मक्का का खेती था जो पूरी तरह से सर डूब गया है। यहाँ सर आप लगभग करीबन यहाँ 5,000 परिवार जो बिल्कुल सर डूब गया। सामने सर घर देख सकते हैं, उसमें का पूरा परिवार, यानी कि पूरा परिवार बेघर हो गया है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या प्रशासन आई थी यहाँ पे? जैसा कि पता चला कि प्रशासन के लोग भी आए, मुजफ्फरपुर से जिला प्रशासन के लोग आए, उनके तरफ से क्या आश्वासन सर? यहाँ पर BDO और SDO साहब भी आए हुए थे। यहाँ पर एक बगल में सर पोखर यानी कि खोदने के कारण वहाँ पानी का स्वास हुआ जिससे बांध टूट गई। प्रशासन आया तो बोला कि काम होगी, बट अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है सर। वहाँ प्रशासन बोला है कि काम, गांव के लोग उनको घेरा दबाव बनाया, फिर भी प्रशासन किसी भी तरह से निकल के वो भाग गए। बोले कि काम हो रहा है, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। अभी तक यहाँ के लोग पूरा बिल्कुल परेशान हैं और कुछ लोग अपने अपने रिलेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग जो अनाज का क्षति हो गया है अभी भी बाहर निकाल रहे हैं, कुछ जगह नहीं निकला है, पूरा तरह से सर डूब गया है। पाना छपरा गांव है मुजफ्फरपुर का, मीनापुर प्रखंड में आता है। आप देख सकते हैं मोतीपुर प्रखंड में आता है, माफ कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अभी आधे मेरे घुटने डूब चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अभी मैं बहुत नज़दीक हूँ, आगे अभी पूरा मंजर आपको नज़र आएगा जहाँ आदमी पूरा डूब सकता है। ये इतना पानी है जिसमें घर पूरी तरह से डूब चुके हैं और धीरे धीरे पानी का सैलाब बढ़ता जा रहा है क्योंकि नहर का पानी काबू में नहीं है। प्रशासन के लोग आए, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन गांव वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इनके क्षति की भरपाई करेगा तो कौन करेगा? मुजफ्फरपुर लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। इस गांव की तबाही को दिखाने के लिए किसी भी मीडिया के पास समय नहीं है, उसके पास जगह नहीं है, क्योंकि ये बाढ़ का नजारा नहीं है। नहर टूटने से ये त्रासदी हुई है, इसमें कोई भी TRP नहीं है, इसलिए इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया।